खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ उनकी डिग्री को लेकर दाखिल की गई याचिका। झारखंड में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जमशेदपुर के एक व्यक्ति ने झारखंड उच्च न्यायालय में उनकी डिग्री की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की है। जमशेदपुर के दानिश नाम के व्यक्ति ने निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनकी MBA की डिग्री की जाँच CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि CBI को इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। गोड्डा व्यवहार न्यायालय में मिले 6 संक्रमित कोर्ट सील। जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जिले के अलग अलग स्थानों में शिविर लगाकर कोरोना जांच की गई। ट्रूनेट एवं एंटीजन रैपिड टेस्ट में कुल 224 सैंपल की जांच की गई। इसमें जांच के दौरान जिले भर में 6 लोग संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमित जिला व्यवहार न्यायालय के हैं। स्वास्थ्य विभाग से कोर्ट परिसर में शिविर लगाकर कोर्ट जाँच की गई। प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा की ओर से 15 कोर्ट भवन व्यवहार न्यायालय परिसर में 6 लोगों को कोविड संक्रमित होने की पुष्टि के बाद आगामी 8 और 9 सितंबर को जिला व्यवहार न्यायालय को सील कर सैनिटाइजेशन कराने की आधिकारिक घोषणा की गई है। गोड्डा में साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ। झारखंड के गोड्डा में शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। यहां आश्रम के अंदर एक साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साध्वी के साथ सोमवार मंगलवार की मध्यरात्रि गोड्डा जिले के मुसबिल थाना क्षेत्र के नारीडी पंचायत के टाडावार गांव स्थित महर्षि मई आश्रम में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आश्रम के अंदर 8 लोग प्रवेश कर गए और साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद आश्रम में दहशत का आलम है। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड बिहार को जोड़ने वाला करोड़ों का पुल बेकार। जिला मुख्यालय के करीब 10 किलोमीटर दूरी पर सदर प्रखंड के ढोडरी व बिहार के बांका जिला के सीताचक के बीच करोड़ों की लागत से बना हाई लेवल पुल आम जनता के लिए सफ़ेद हाथी साबित हो रही है। साइबर ठगी के दर्जन भर कांडों का नहीं हो सका खुलासा। गोड्डा जिले में साइबर थाना नहीं रहने से यहां साइबर अपराध के मामले का उच्च वेदन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान बीते 6 माह में गोड्डा और महागामा अनुमंडल क्षेत्र में साइबर ठगी के 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। इसमें कुछ एक मामलों में पुलिस को थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन किसी भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। यहाँ साइबर ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित थाना पुलिस को तकनीकी शाखा से सहयोग लेना पड़ता है, जो देवघर और दुमका में है। ऐसे में जिले में साइबर अपराध का ग्राफ कम कैसे होगा, यह कहना मुश्किल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा महुआ का लड्डू। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चकेश्वरी गांव के स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित शिविर में अडानी फाउंडेशन द्वारा संचालित सुपोषण कार्यक्रम से जुड़ी 20 संगनी बहनों ने हिस्सा लिया। विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रगतिका मिश्रा ने संगनी बहनों को पोषण से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पूरक आहार और आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। शहरी क्षेत्र में 6 से 10 घंटे तक बिजली कटौती। जिला मुख्यालय समेत 3 प्रखंडों में नए ग्रिड सब स्टेशन व डबल सर्किट लाइन के चालू होने के बाद भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था चौपट होती जा रही है। इससे सबसे खराब स्थिति जिला मुख्यालय की बनी हुई है। योगी वीर पहाड़ पर बनेगा श्री राम का भव्य मंदिर। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित बाराहाट इसीपुर योगी वीर पहाड़ अपने आप में एक गौरवशाली स्थल होने का ख्याति पूर्व से पा चुका है। जहां 18 भुजा वाली माँ के भव्य मंदिर के अलावा कई देवी देवताओं के मंदिर आकर्षण का ढंग से बनाया गया है, जिसके कारण पहाड़ का दृश्य काफ़ी सुंदर एवं मनमोहक बना हुआ है। उक्त पहाड़ पर श्री राम मंदिर का निर्माण करने की बातें बीते 2010 में सुमेरु पीठ शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती द्वारा घोषित संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक योगी वीर पहाड़ के महंत आचार्य माही जी महाराज ने सोमवार को बैठक कर जानकारी दी।
हेमंत ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ बिहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया। 7 सितंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची बिहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। मुख्यमंत्री की ओर से दायर दीवानी मुकदमे की रांची बिहार न्यायालय में सब जज एक की अदालत में सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2020 की तिथि निर्धारित की गई है। मामले में सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। समाज की बेहतरी के लिए होगा संगठन का विस्तार। युवा समाजसेवी बजरंगी महता को अखिल भारतीय पासी समाज का राष्ट्रीय सचिव का भार सौंपा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.ए. प्रसाद ने बजरंगी महता उन्हें यह दायित्व सौंपा है। राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के बाद उन्हें राज्य स्तर पर संगठन का विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। समाज के उत्थान के लिए दिशा में उनका सतत प्रयास रहेगा। देवघर एसपी की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के खिलाफ डीजीपी एमबी राव सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मामला गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा है। सांसद ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में झारखंड पुलिस की शिकायत की थी कि जानबूझकर उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 8 सितंबर को एमपी देवघर को हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी विशेषाधिकार समिति के आदेश के खिलाफ डीजीपी एमबी राव सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देवघर अगरतला स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल हुआ जारी। बिहार के इन शहरों से होकर गुजरेगी ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने आगामी 12 सितंबर से अगरतला व देवघर के बीच मुंगेर होकर चलने वाली ट्रेन की समय सीमा सारणी जारी कर दी है। 05626 नंबर वाली अगरतला से देवघर जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर को अगरतला से रवाना होगी। अगरतला से यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को प्रस्थान करेगी, जबकि 05625 नंबर वाली देवघर से अगरतला जाने वाली ट्रेन देवघर से हर सोमवार को रवाना होगी। बंद बस कुपी कोलियारी चालू होने से बदल जाएगी तस्वीर। खबर देवघर के कैरो प्रखंड से है। कैरो प्रखंड मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित में बसकुपी गांव, इस गांव में कोयले का आकूत भंडार है। यदि सरकार बंद कोलियारी को चालू कर देती है तो सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, क्षेत्र का चहुमुखी विकास भी होता। स्वतंत्र पूर्व यह कोलियारी एक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जाती थी। बाद में इस कोलियारी का राष्ट्रीयकरण हो गया एवं CCL के हाथों में आ गया। इसके बाद भी यह बंद हो गया है। जनसेवा में झारखंड की हेमंत सरकार असमर्थ। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा प्रदेश कार्य समिति के तमाम प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। राष्ट्र व प्रदेश नेतृत्व ने कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई जनसेवा की सराहना की। आगे भी इस प्रकार की जनसेवा करने की बात कही। इसमें भाजपा नेता बजरंगी यादव भी कार्यकर्ताओं के रूप में शामिल हुए। बजरंगी यादव ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में झारखंडियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान जनसेवा करने में झारखंड की हेमंत सरकार असमर्थ रही। पीओ में इंदिरा आवास पूरा करने के लिए बनी विशेष टीम। खबर है साहेबगंज से। उप विकास आयुक्त के निर्देश पर BDO सुमन कुमार सौरभ ने लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व इंदिरा आवास पूरा कराने के लिए प्रखंड स्तरीय विशेष टीम का गठन किया। सोमवार को BDO ने विशेष अभियान की शुरुआत अमडंगा संथाली पंचायत से की। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लाभुकों से पता चला कि समय पर आवास निर्माण नहीं करने व प्रावकलन से बड़ा निर्माण करने की वजह से आवास अब तक पूरा नहीं हो पाया है। BDO ने वैसे लाभुकों को अंतिम चेतावनी देते हुए 1 माह आवास निर्माण पूर्ण करने को कहा। अपरवाह लाभुक आवास निर्माण में तेजी नहीं लाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि कुल 924 वैसे लाभुक है जिन्होंने 6 माह बीत जाने के बाद भी आवास का काम पूरा अधूरा है। 916 ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने 9 माह के बाद भी आवास पूर्ण नहीं किया है। 804 ऐसे लाभुक हैं जिनके खाते में पहली किस्त का पैसा चला जाने के 1 वर्ष बाद भी आवास पूर्ण नहीं किया है। वर्तमान में 2016-17 से 19-20 में लाभुकों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से भेजा जाता है। खबर है पाकुड़ से। फिट इंडिया फ्रीडम रन में युवकों ने लगाई दौड़। भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय के
तत्वावधान में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आरजे स्टेडियम में सोमवार को 10 दिवसीय फिट इंडिया फ्रीडम रन समापन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मैनेजर ध्यानचंद्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसमें दर्जनों युवक युवतियाएं व बच्चों ने दौड़ लगाई। चैप्टर सचिव संजय कुमार भगत ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव पर 29 अगस्त से पूरे राज्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। पाकुड़ जिले से इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। जिले के स्कूल कॉलेज के बच्चे व युवक युवतियों तथा बच्चों तथा समाज के लोगों ने भाग लिया। फ्रीडम रन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए अपने अपने घरों में अपने अपने घरों के आसपास फिटनेस को ध्यान में रखते हुए शारीरिक कार्यक्रम का आयोजन कराना था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।